और जब जीत के जाएंगे तो जो हमारे मुद्दे हैं कुटलैड के की जो समस्याएं हैं ये कुटलैड का, क्योंकि 32 वर्ष के बाद कुटलैड से कांग्रेस जीती थी, 14 महीने में का अंतराल में जो चीज़ें हुई हैं वो सब मीडिया के माध्यम से पहले भी उजागर हो चुकी हैं। जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के चुनावी रण में कांग्रेस पार्टी ने विवेक शर्मा को चुनावी रण में उतारा है। विवेक शर्मा कुटलैहड़ के ही पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय रामनाथ शर्मा के बेटे हैं। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के काफी करीबी भी माने जाते हैं। विवेक शर्मा के टिकट का ऐलान होते ही कुटलैहड़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। विवेक शर्मा ने जहां प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया, वहीं क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने का दावा किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आज जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है, सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे आला नेता हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आदरणीय सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी का, जिन्होंने जो है मुझे आज इस उपचुनाव में चुनाव लड़ने का मौका दिया। और निश्चित तौर के पर आज सरकार की मजबूती के लिए एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है हमारे सामने है, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस चुनाव को जो है वो पूरे जोर के साथ लड़ें और जीत के जो है वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जो है वो को ताकत दें और सरकार को मजबूत करें। और जब जीत के जाएंगे तो जो हमारे मुद्दे हैं कुटलैहड़ के की जो समस्याएं हैं ये कुटलैहड़ का, क्योंकि 32 वर्ष के बाद कुटलैहड़ से कांग्रेस जीती थी, 14 महीने में का अंतराल में जो चीज़ें हुई हैं वो सब मीडिया के माध्यम से पहले भी उजागर हो चुकी हैं, किस तरह से जो है कुटलैहड़ के लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया गया। तो कहीं ना कहीं कुटलैहड़ की जो एक समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र की हों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की हों, चाहे वो रोजगार की हों, इन सब बातों को लेकर जो है वो लड़ाई लड़ी जाएगी। और बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे पानी की थी, पानी की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने जो सरकार बनते ही बीबीएमबी से जो है वो परमिशन जो है वो पानी उठाने की जो है वो सेंट्रल सरकार से दिलवाई, वो एक बहुत बड़ा कदम था आने वाले समय में जो पानी की समस्या को दूर करने के लिए जो है। और यहाँ पे बड़ी योजनाएं हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है और उनके पास इस बात का तजुर्बा भी है, क्योंकि कुटला कहीं ना किसी समय में हरोली में भी पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी। सो निश्चित तौर के ऊपर सरकार स्थिर है, मजबूत है, और सरकार का फ़ायदा जो कुटला के लोगों को दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी।